हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन इन यूरोप। तो जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मारबर्ग के बाद हम कैसल आए थे, एंड कैसल के लिए मैं क्या कहूँ, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आई हैव एवर सीन। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, कैसल बिल्कुल ही फुल ऑफ ग्रीनरी, ब्यूटीफुल पार्क्स, देन इट्स आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, देन म्यूजियम। इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। रीचिंग कैसल इज़ वेरी सिंपल, डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ जर्मनी, सो यू कैन डायरेक्टली रीच टू कैसल। कैसल स्टेशन से बाहर निकलते ही ट्राम स्टेशन है, एंड वहाँ डिस्प्ले बोर्ड पे आप ट्राम नंबर्स एंड लोकेशन सर्च कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी ईजी टू गेट अ ट्राम एंड रीच टू योर डिज़ायर्ड लोकेशन। हमारे पास टाइम बहुत कम था, सिर्फ 3 घंटे थे हमारे पास कैसल के लिए, इसलिए हम डायरेक्ट जो बिल्कुल ही फेमस स्पॉट है कैसल का, डेट इज़ बर्ग पार्क, जिसके अंदर ही हरकुलस मॉन्यूमेंट भी है। तो हम डायरेक्ट स्टेशन से निकल कर वी टुक अ वॉक, अराउंड 30 मिनट्स का वॉक होगा, इट्स 1.5 to 2 kilometers। तो ये वॉक लेकर वी डायरेक्टली केम टू बर्ग पार्क विलेमसोए, द मोस्ट फेमस प्लेस हियर इन कैसल। गाइस लुक एट द व्यू, एंड ये बस एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम अभी पार्क में एंटर करेंगे, और यहाँ पहुँच के इट्स अ ब्रीथ टेकिंग व्यू। बर्ग पार्क विलेमसो इज द लार्जेस्ट लैंडस्केप पार्क इन कैसल। The area of park is around 2.4 square kilometers, and this makes it a largest European hillside park and the second largest on the hill slope in the world. This has also been a UNESCO World Heritage Site since 2013. Screen pe abhi bilkul samne jo aapko monument dikh raha hai, that is Hercules Monument. A copper statue built on a pyramid followed by a octagon, and on the top it's this copper statue called a Hercules Monument. I mean, आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है। This park is just so beautiful. आप हमारे पास तो सिर्फ 3 घंटे थे, but if you want, you can spend your entire day here in this park. आर टारगेट इज़ कि हमें हरकुलस मॉन्यूमेंट तक जाना है, तो यहाँ से देखने में लग रहा है कि वो बहुत पास है, बट इट वॉज़ एक्चुअली क्वाइट फार, एंड इट टुक अस अराउंड 30 to 45 minutes टू रीच देयर। और वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊँगी कि मॉन्यूमेंट तक तो हम नहीं जा सकते बिकॉज इट्स क्लोज्ड, बट वी कैन रीच ऑलमोस्ट नियर टू दैट मॉन्यूमेंट। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि वहाँ पहुँचने के बाद भी थोड़ा मुश्किल है ऊपर जाना। This is the beautiful lake here in the Bird Park Castle, and इस lake की speciality ये है कि अगर आप winters में आओगे तो it's a frozen lake. It's really nice to see a frozen lake. तो अगर आप winters में आते हो तो you will see this, you see ice over here, a frozen ice lake. कितनी सूदिंग आवाज़ है ये, आंखें बंद करके इस आवाज़ को सुनो बस आप, तो पानी की आवाज़ है।
towards Hercules Monument, which is a very famous landmark in the Germany city of Kessel. Hercules Monument includes a copper statue which demonstrates a Greek demigod, and that statue is situated on the top of pyramid, and that pyramid stands on octagon. So this entire copper statue, pyramid and octagon is the Hercules Monument, which is the famous landmark. यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लेनी है, दिखने में बहुत कंफर्टेबल सीढ़ियाँ लग रही है, और इट वाज एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबल स्टेयर्स थे, बट हाँ अगले दिन दूसरे दिन पता चलता है कितनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद क्या हालत होती है. एंड द बेस्ट पार्ट वाज जब हम यहाँ थे, वी कुड सी कि लोग यहाँ पे अपने इवनिंग वॉक या एक्सरसाइज के लिए आए थे. वो ऐसा जितना टाइम हमें लगा ऊपर जाने में, I could spot few people जो शायद अपने evening exercise के लिए आए थे. उन्होंने ऐसा 2-3 round कर लिया था stairs पे ऊपर जाकर नीचे आने का. तो हम थोड़ा करीब पहुँचे हैं, इसलिए यहाँ से Hercules Monument भी थोड़ा clear दिख रहा है, but still it's a way long to go. गाइज अब हम टॉप पे पहुंच गए, इसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो टिल हेयर ओनली इट्स अलाउड टू कम. तो यहाँ से आप देखो कितना सुंदर व्यू आएगा अभी. दिस इज द मॉन्यूमेंट एंड दिस इज द व्यू जस्ट इन फ्रंट ऑफ मॉन्यूमेंट. इन द समर, स्टार्टिंग फ्रॉम मे टू अक्टूबर, एवरी वेंसडे एंड संडे आफ्टरनून एक इवेंट होता है यहाँ पे. और इस इवेंट में क्या होता है, देयर इज अ वाटरफॉल स्टार्टिंग फ्रॉम Hercules Monument. द वाटरफॉल स्टार्ट्स एंड वो लास्ट में जाकर उस लेक में मिलता है जो मैंने आपको दिखाया था. तो बहुत ही सुंदर लगता है वो वाटरफॉल देखने में. और इनफैक्ट ड्यूरिंग जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर, एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ इवनिंग में भी एक इवेंट होता है, जिसमें जो उस वाटरफॉल के साथ बहुत ही सुंदर लाइट्स भी होते हैं, और इट्स लाइक डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स इल्यूमिनेटिंग द वाटर, और वो फाउंटेन भी डिफरेंट कलर का लगता है, एंड अगेन वो फिर उस लेक में मिलता है. तो अराउंड 92,000 गैलन्स ऑफ वाटर आर नीडेड, एंड जो विजिटर्स होते हैं दे कैन फॉलो द वाटर वे स्टार्टिंग फ्रॉम Hercules Monument एंड एंडिंग एट द बिग लेक ऑफ कैसल विलेमसोफ. Thank you.
काफ़ी टाइम बताया है यहाँ पे, यहाँ बैठ कर व्यू देख कर, और जब वापस जाने का टाइम आया तो इट स्टार्टेड रेनिंग। और कहते हैं ना, बारिश ने इस जगह को और खूबसूरत बना दिया। थोड़ा वेट किया हमने एंड देन फिर हम निकल गए बारिश में। ये देखो आप कितना सुंदर लग रहा है, वाटरफॉल, लेक एंड बारिश। So after spending a beautiful day first in Marburg and then in Kassel, it was time to go back. बारिश ने इस जगह को और सुंदर बना दिया था। बिल्कुल भी मन नहीं था हमारा वापस जाने का, but we came back to the station. And आप ये स्टेशन देखो, ये रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन भी कितना सुंदर है। तो 3 मिनट में हमारी ट्रेन आने वाली थी। गाइज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एंड इफ़ यू लाइक दिट तो सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको फ़ोटोज़ देखने हैं यहाँ के, तो आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।